Welcome in my channel. Like, share and subscribe please this channel. Please subscribe my channel, okay? Please subscribe. दो वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों की, आप लोगों में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं इस वीडियो में आपको उनके सारे कन्फ्यूजन आपकी दूर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपके लिए बता दूँ कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि मैं कोई अप्रैल फूल बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ और ना ही मैं अप्रैल फूल बन रहा हूँ। मैंने जियो के कस्टमर केयर पे अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले सारी बातें कंफर्म कर ली हैं, और आप देख सकते हैं कि वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में समथिंग 3:58 पे। तो मैंने थोड़ी देर पहले जो है जियो कस्टमर केयर पर बात की है, तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो मैंने उस कॉल को रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं इस वीडियो के एंड में उस रिकॉर्डिंग को भी लगा दूंगा। तो डेफिनेटली प्लान चेंज हो चुके हैं, आप इस चीज़ को मान लीजिए और आप इसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने तीन चार कैटेगरी बनाई हुई है, क्योंकि तीन चार कैटेगरीज के यहाँ पे जो लोग हैं जो जियो को यूज़ कर रहे हैं, और बेसिकली मैंने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन मैं भी शायद सही से समझा नहीं पा रहा हूँ और कन्फ्यूजन आप लोगों में हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास वो लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक जियो की सिम पे कोई रिचार्ज नहीं कराया है। तो दोस्तों, अब आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी भी अपनी जियो सिम पे कोई रिचार्ज नहीं कराते हैं तो 15 अप्रैल तक आप फ्री सर्विसेज का फ़ायदा उठाते रहेंगे, केवल 15 अप्रैल तक। और उसके बाद अगर आपको फ़ायदा लेना है जियो सिम का, तो आपको रिचार्ज करना होगा 99 से और 303 से, या फिर 99 से और 404 से। जैसा भी आप प्लान चाहते हैं वैसा आप प्लान यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जब आप 99 और 303 से रिचार्ज कर लेंगे अप्रैल 15 से पहले, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 3 महीने, अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने में आपको फ्री डेटा और फ्री कॉलिंग मिलेगी, जैसा कि आपको हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में मिलती थी। उसके बाद बात आएगी जुलाई की। जुलाई में आपका जो 303 का आपने अभी यहाँ पे रिचार्ज करा रहे हैं, ये प्लान जुलाई में जाके एप्लीकेबल होगा, यानी जुलाई में आप इस प्लान का यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिकली ये है कि 99 प्लस 303 यानी समथिंग 402 रुपये में 4 महीने आपको फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग और फ्री SMS की सर्विस मिल रही है। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा सस्ता मुझे नहीं लगता है कि कोई और आपके लिए दे पाएगा फिलहाल इन 4 महीने में, तो और कोई नहीं दे रहा है। तो आप प्रोसेस कर सकते हैं जियो के साथ में, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये प्लान है। अब बात आती है उन लोगों की जिन लोगों ने अब तक जो है 99 रुपये का रिचार्ज यहाँ पे करा लिया है। तो जिन लोगों ने 99 रुपये का रिचार्ज करा लिया है, वो अब उसमें 303 का या फिर 499 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं। उनके लिए भी सेम सर्विस यहाँ पे अवेलेबल होगी। अगर आप 303 का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 3 महीने तो सेम ही मिलने वाले हैं, और जुलाई में आपको 303 की सर्विस मिलेंगी, और वहीं आप अगर जो है 499 से रिचार्ज कराते हैं तो आपको जुलाई में 499 वाली सर्विस मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों, हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है जिन लोगों ने 99 का रिचार्ज कराया हुआ है और उसके बाद 149 का रिचार्ज कराया हुआ है। तो दोस्तों, उनके लिए क्या है यहाँ पे प्लान? बेसिकली अगर आप 99 और 149 के रिचार्ज के अलावा कोई रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो आपकी जो जियो सिम है वो 15 तारीख तक तो फ्री सर्विस में चलेगी, जैसे कि सभी सिमें चल रही हैं। आप जानते हैं कि जो फ्री सर्विस में 15 तारीख तक आपको जो फ्री डेटा और फ्री कॉलिंग मिल रही है, लेकिन 15 तारीख के बाद आपका जो प्लान है वो 149 वाला प्लान स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो अगर आप भी जो है इस तरह की सर्विस लेना चाहते हैं कि 4 महीने अगर फ्री सर्विस आप लेना चाहते हैं, तो आपको भी रिचार्ज कराना होगा 303 से या फिर 499 से। इससे दोस्तों फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि आपको 4 महीने फ्री सर्विसेज मिलेंगी, और जो आपने यहाँ पे 149 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं, ये आपको जुलाई के बाद अगस्त में आके मिल जाएंगे, यानी कि जुलाई 28 तक जो है आपका प्लान चलेगा 303 या फिर 499 वाला जो आप अभी कराने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जो आपका 149 रुपये का प्लान है, इसका भी आप फ़ायदा उठा पाएंगे, यानी कि आपकी कोई जो है पैसा वेस्ट नहीं गया है। दोस्तों, चौथे नंबर पे वो कैटेगरी है जो कि बहुत कम लोग हैं, और मैं भी अभी उसी कैटेगरी में ही आता हूँ। बेसिकली जिन लोगों ने 99 और 303 या फिर 499 का रिचार्ज करवा रखा है, दोस्तों उन लोगों के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई है। आप लोगों के लिए सबसे पहले तो 3 महीने जो है फ्री डेटा मिलेगा, अप्रैल, मई, जून फ्री डेटा और फ्री कॉलिंग मिलेगी। उसके बाद आपने अगर 303 का रिचार्ज कराया हुआ है, तो आपको
जुलाई में 303 वाली सर्विस मिल जाएंगी, और अगर आपने 499 का रिचार्ज कराया हुआ है तो आपको जुलाई में 499 वाली सर्विसेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई जो है कन्फ्यूजन रह गया होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आप कोई भी रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपकी 15 अप्रैल तक सिम चलती रहेगी, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर में, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में चल रही थी। दोस्तों इस वीडियो के बाद में मैं जो है जियो से मेरी जो बात हुई जियो कस्टमर केयर से, मैं उसे भी ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा ट्रस्ट आ जाए मुझ पर कि मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, और ये चीज़ ऑफिशियली भी बताई जा रही है, और ऑफिशियली अगर आप भी अपने हैंड से कॉल करते हैं तो आपको सेम प्लान ही सजेस्ट किए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई कन्फ्यूजन रहा होगा। दोस्तों आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं आजकल, तो इस वीडियो पे मुझे लाइक्स चाहिए, जितने व्यूज़ होने चाहिए उतने ही मुझे इस पे लाइक चाहिए। और दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए टेक दुनिया हिंदी के साथ। नमस्कार जियो में आपका स्वागत है। मैं पंकज आपसे किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी मेरा नाम मनोज है। जी सर बताइए। हाँ सर, मैं जियो के कुछ प्लान के बारे में जानना चाहता हूँ, और मैंने सुना है कि अभी रिसेंटली कुछ प्लान वगैरह चेंज हुए हैं। चेंज हुए मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपके नंबर पे आपने 99 का और 499 का रिचार्ज करवा लिए हैं। जी ये जो 499 का जो रिचार्ज करवाए हैं आप, ये अप्रैल से शुरू होनी थी 1 तारीख से आपसे, है ना? जी ये अभी शुरू नहीं होगी। 499 का जो रिचार्ज है ये आपको जुलाई से शुरू होगी। जुलाई से प्लान ठीक है। जुलाई से आपको 499 का प्लान जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है ठीक है सर। और अभी जो बीच का जो महीना है आपका अप्रैल मई और जून, ये फ्री रहेगा। और सर मेरे पास में एक और सिम कार्ड है जिसमें मैंने अभी तक जो है जियो प्राइम मेंबरशिप में नहीं ले पाया था। तो 15 तारीख लास्ट डेट है। 15 तारीख के अंदर आप 99 का प्राइम मेंबर ले लीजिएगा और 303 या फिर उसके अबव का प्लान भी ले लीजिएगा, तो आपको जैसे अभी फ्री मिला है ना, उनको भी फ्री मिल जाएगा। सर इस केस में क्या होगा, 15 तारीख तक जो है मेरा वो वाला सिम चलता रहेगा क्या? चलता रहेगा, डेटा और कॉलिंग उसमें अवेलेबल रहेगा 15 तक। हाँ जैसे यूज करे तो उसी प्रकार रहेगा। सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन और है, मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने एक सिम है 99 की जो मेंबरशिप लेने के बाद उसमें 149 का रिचार्ज कराया है। कोई बात नहीं, 315 रुपए से पहले 303 का रिचार्ज करवा लीजिएगा, आपको फ्री ऑफर मिल जाएगा। और जो 303 का है वो जुलाई में काम करेगी, और जुलाई में 28 दिन तक 303 का काम करेगा, उसके बाद फिर से 149 चालू हो जाएगा। और इन केस अगर मैं 149 के साथ ही रहता हूँ तो मेरा क्या रहेगा? 149 के साथ रहते हैं तो फ्री वाला ऑफर तो नहीं मिलेगा आपको। 15 तारीख के बाद से आपका 149 चालू हो जाएगा। 149 चालू हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद सर जो फोन करने के लिए। सर शुभ रात्रि। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। शेयर विद आवर फ्रेंड्स न्यू जियो प्लान।